हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कैसे ग्लास पेंटिंग किया जाता है विदाउट ग्लास। हम आज ऐसे गणेश जी का पिक्चर बनाने जा रहे हैं, ग्लास पेंटिंग बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो हम लोग ग्लास पे नहीं बनाएंगे। तो देख लीजिए कैसा टेक्निक यूज़ होता है ग्लास पेंटिंग के लिए, कैसे आपको करना पड़ता है, कौन कौन चीज़ ध्यान में रखना है। जो ग्लास पेंटिंग आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके लिए पहले चाहिए एक पिक्चर जो मैंने पहले से ही बना के रखा। ये हम लोग ये शीट में बनाएंगे, OHP शीट में हम लोग बनाएंगे। इसके हिसाब से ये साइज़ में आपको एक ड्राइंग बनाना है, क्योंकि ये जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग से ही आपको मेन पिक्चर में, मेन ग्लास पेंटिंग में आपको ट्रेस करना है। और चाहिए एक ग्लास कलर, मैंने 10 शेड्स का ग्लास कलर यूज़ किया। एक सेफ टेपन, ये हम बाद में बताएंगे ये किस काम में आएगा, और एक पेपर टेप। फर्स्ट जो हम लोग को करना है वो पेपर टेप से हम लोग इसको ठीक से सेट कर लेंगे, ताकि ये बाद में हम लोग को प्रॉब्लम ना दे। ऐसे जो 4 साइड है, चारों तरफ से हम लोग इसको पेपर टेप से ठीक से फिक्स कर देंगे। ऐसे हम लोग अच्छे से इसको फिक्स कर दिया। इसके बाद ये ग्लास लाइनर लेना है, ये ग्लास लाइनर से इसका आउटलाइन बनाना है। ये ग्लास लाइनर आपको ग्लास कलर के साथ ही मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं, बहुत धीरे धीरे ये काम करना है, क्योंकि ये जो लाइन है इसके ऊपर ही आपका पिक्चर कितना अच्छा होगा वो डिपेंड करेगा। आपका लाइन जितना अच्छा होगा पिक्चर भी उतना ही अच्छा होगा। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे थोड़ा प्रेस कर लीजिए और ये पेंसिल के लाइन के हिसाब से लाइन बनाते जाइए। जैसे हम लोग मेहंदी डिजाइन करते हैं ना, ऐसे ही ये ग्लास लाइनर को यूज करना है। ये ज़्यादा पतला होने से कलर निकल जाएगा, क्योंकि ग्लास कलर लिक्विड मीडियम में आता है। तो ऐसे मैंने पूरा लाइन ड्राइंग बना लिया। अब इसको थोड़ा ड्राई होने देना है, इसको
10 to 20 मिनट्स थोड़ा ड्राई होने दीजिए। तो मैंने ये पेंटिंग को जो आउटलाइन मैंने बनाया इसको थोड़ा ड्राई कर लिया, अभी कलर स्टार्ट किया। लेकिन कलर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं पहले ही इसके पीछे जो बैकग्राउंड है उसको वाइट पेपर लगा दिया। वाइट पेपर में ही कीजिए, वाइट पेपर में करने से आपको पता चलेगा कौन सा कलर कहाँ क्या हो रहा है, आप कलर का इफेक्ट देख पाएंगे। ठीक है, तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हम इसमें देना चाहते हैं गोल्डन येलो। ऐसे पकड़ लीजिए, कलर आ गया तो ऐसे इसको फील कर दीजिए। देखिए शुरू में हमने आपको एक सेफ्टी पिन के बारे में बोला, वो शायद याद होगा। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, ये बबल्स ऐसे हटा दीजिए सेफ्टी पिन के मदद से। तो मैंने इधर येलो दे दिया, उसके बाद हम यूज़ कर लेंगे थोड़ा सा ब्लू। ये पार्ट में हम ब्लू दे देते हैं से, ब्लू फिल कर लिया। कोशिश कीजिए ये जो ग्लास कलर का बटल है इसको टच करके करने के लिए, क्योंकि ये बटल में अगर एयर पास हो गया तो ज़्यादा बबल आएगा। देखिए ऐसे एक बड़ा सा बबल्स ऊपर आ गया, इसको भी हटा दीजिए, ऐसे फर्स्ट कर दीजिए तो हो गया। तो ऐसे मैंने ब्लू दे दिया तो इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। अगर मैंने ये यहाँ पे रेड कलर पर कोई भी कलर यहाँ देने चाहेंगे तो अगर लाइनर थोड़ा भी पतला है तो ये कलर मिक्स हो सकता है, तो इसीलिए इसको थोड़ा छोड़ दीजिए। अभी हम लोग दूसरा पार्ट में कलर दे देते हैं। इस पार्ट में मैंने थोड़ा रेड यूज कर लेते हैं। और इसके बाद हम दे देते हैं गोल्डन येलो। इसको हम लोग मिक्स होने देंगे। ये जो बबल्स है इसको जरूर बास्ट कर दीजिए सेफ्टी पिन के मदद से, नहीं तो बाद में ये ड्राई होने के बाद ये बास्ट होने से ये गैप दिखाई देगा वाइट कलर का, तो अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए अगर नहीं बस्ट हुआ तो इसको साइड कर दीजिए। बड़ा जो बबल्स है उसको ऐसे हटा दीजिए, लेकिन बबल्स जितना कम आएगा उतना ही अच्छा है। ये जो बबल्स रह गया जो नहीं बास्ट हुआ उसके लिए मैंने ट्रिक अप्लाई किया। क्या है, एक ईयरबड ले लीजिए और इसको ऐसे मिक्स करते जाइए।
बाबल एकदम छोटा छोटा होने से ना खराब नहीं दिखेगा। और ये कलर भी मिक्स होते जा रहे हैं। ये जो एकदम छोटा स्पेस है इसमें भी अपने ईयरबड की मदद से अंदर घुसा दीजिए। तो ऐसे मैंने फेस बना लिया गणेश जी का। अभी हम कान में कलर देंगे। कान में भी दे देते हैं येलो। ये जो गणेश जी का धोती है इसमें हम दे देते हैं ब्लू। पैर में भी दे देते हैं पिंक। फिर जो बबल्स आ गए इसको हटा लीजिए। और बाकी रह गया तो गणेश जी का वाहन यानी कि रैट। रैट को हम दे देते हैं ब्राउन। ये पार्ट में हम अभी तक कलर नहीं दिया क्योंकि ये छोटा सा पार्ट है। इसको पूरा ड्राई कर लीजिए इसके बाद दे, नहीं तो ये कलर अगर बाहर निकल गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। और ये नीचे का पार्ट में मैं दे दिया मैरून अल्ट्रामरीन ब्लू दे दिया मैंने। अभी जो ये मेन कलर है इसको थोड़ा ड्राई होने दीजिए।
इसके बाद हम लोग ऑर्नामेंट में कलर देंगे। तो अभी मेरा जो ये बेस कलर था, जो मेन कलर था, वो अभी थोड़ा ड्राई हो गया। अभी मैं जो छोटा छोटा पार्ट छोड़ दिया, जो ऑर्नामेंट है, आईज़ है, उसमें हमको कलर देना है। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे ये ऊपर से। ये ऊपर का पार्ट में मैं जो छोड़ दिया ऊपर, ये पार्ट, इसको पहले कलर दे देते हैं। इसमें मैं यूज़ कर दिया पिंक। ऐसे मैंने पिंक दे दिया। फिर जो बबल्स आ गया उसको हटा दीजिए। इसमें मैंने दे दिया रेड और थोड़ा सा ऑरेंज। ऐसे मैंने दे दिया। अभी आँख में कलर देना है। आँख में हम लोग यूज़ कर लेते हैं ब्लैक। लेकिन ये जो 10 शेड्स वाला कलर है, इसमें ही खाली ब्लैक रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए 10 शेड्स का कलर यूज़ करने के लिए। ऐसे मैंने ब्लैक दे दिया। आईब्रो में भी थोड़ा ब्लैक दे देते हैं। ये हो गया मेरा आईज़। और बाकी सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, इसमें कलर मैच करके कलर देना है। जैसे कि मैंने इसमें ब्लू दे सकते हैं, क्योंकि ये लाइट कलर के अंदर ये डार्क कलर अच्छा दिखेगा, तो मैंने दे दिया ब्लू। ये पार्ट में मैंने यूज़ कर लिया ग्रीन। ऐसे मैंने ग्रीन यूज़ कर लिया। ये जो कान में मैंने बॉर्डर बनाया, ये जो डिज़ाइन थोड़ा बनाया, इसमें हम दे देते हैं ब्लू। ये अल्ट्रामरीन ब्लू दे दिया। इसमें भी दे दिया अल्ट्रामरीन ब्लू। इसमें अल्ट्रामरीन ब्लू दे देते हैं। और ये देखिए, ये जो पार्ट था, इसमें येलो देना है। इसमें हम येलो दे देते हैं। तो ऐसे मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसको वाइट ही छोड़ दीजिए। लेकिन जब भी आप ग्लास पेंटिंग करें, तो ये ध्यान रखना, ये सूखने में बहुत टाइम लगता है। तो एटलीस्ट 6 to 7 hours इसको ड्राई होने दीजिए। कभी इसको उल्टा मत कीजिए, क्योंकि ये लाइट कलर है, ये जेल बेस्ड कलर है, ये सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये था मेरा आज का ग्लास पेंटिंग गणेश जी का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट पे लिखना, और मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।